उत्पत्ति अध्याय 25, उत्पत्ति अध्याय 25, इब्राहिम के उत्तर चरित्र और मृत्यु का वर्णन। तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली, जिसका नाम कतूरा था, और उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, इश्बाक और शूह उत्पन्न हुए, और योक्षान से शबा और ददान उत्पन्न हुए, और ददान के वंश में अश्शूरी, लतूशी और लुम्मी लोग हुए, और मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबिदा और यल्दा हुए। ये सब कतूरा के संतान हुए। इसहाक को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। इब्राहिम की सारी अवस्था 175 वर्ष की हुई, और इब्राहिम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया, और वह अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र इसहाक और इश्माएल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की ममरे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसमें उसको मिट्टी दी, अर्थात जो भूमि इब्राहिम ने हित्तियों से मोल ले ली थी उसी में इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। इब्राहिम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को जो लहेरोई नाम हुए के पास रहता था आशीष दी। इसराइल की वंशावली। इब्राहिम का पुत्र इश्माएल जो सारा की लौंडी हाजिरा मिस्री से उत्पन्न हुआ था उसकी यह वंशावली है। इश्माएल के पुत्र के नाम और वंशावली यह है, अर्थात इश्माएल का जेठा पुत्र नबायो, फिर केदार, अदबेल, निबसाम, मिश्मा, दुमा, मस्सा, हदर, तेमा, यपूर, नापिश और केदमा। इश्माएल के पुत्र यही हुए, और इन्हीं के नामों के अनुसार इनके गांवों और छावनियों के नाम भी पड़े, और यही 12 अपने अपने कुल के प्रधान हुए। इश्माएल की सारी अवस्था 137 वर्ष की हुई, तब उसके प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला, और उसके वंश हविला से शूर तक और जो मिस्र के सन्मुख अश्शूर के मार्ग में है बस गए, और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सन्मुख पड़ा। इसहाक के पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन। इब्राहिम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका को जो पदन अराम के वासी अरामी बतुएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी ब्याह लिया। इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई, और उसके लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटे एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी, और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है, और पहला जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, सो उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया। और जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। फिर वे लड़के बढ़ने लगे, और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था।
और इसहाक तो एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मर रहा हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अपनी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दे दी और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना।